नमस्कार, पिनाकल ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर में मैं करने वाली हूँ आपके साथ पेपर कोड 861 का जनरल अवेयरनेस सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 26 ये पूछता है कि राज तरंगिनी किसके द्वारा लिखी गई थी। राज तरंगिनी एक पुस्तक है और इसको लिखने वाले कौन है? इसको लिखने वाले कलहन है, एल बरूनी है, हर्षवर्धन है या फिर कौटिल्य है। ये हमारे चार ऑप्शंस हैं। मैं आपको बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेनेशंस दूंगी, क्वेश्चन को और घुमा फिरा कर किस प्रकार के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं वो सब कुछ समझाती हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 26 जो है इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए कलहन। कलहन एक कश्मीरी थे और वो लेखक है राज तरंगिनी के। ये हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, और ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता था कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है जो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में है, तो उसका उत्तर है राज तरंगिनी। और ये जो कलहन है संस्कृत के भी बहुत बड़े विद्वान थे। आइए अब हम सारी एक्सप्लेनेशंस देखते हैं। राज तरंगिनी क्या है? ये एक हिस्टोरिकल बुक है और ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में है, खासकर जो कश्मीर के राजा हुए उनके बारे में है। किस लैंग्वेज में लिखी हुई है? संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। किसने लिखी हुई है? एक कश्मीरी पंडित थे जिनका नाम था कलहन। ये देखिए, ये कलहन की तस्वीर है, उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है और 8 पार्ट्स में ये बुक जो है ये डिवाइडेड है। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको इसके बारे में बताती हूँ कि इसमें जो शासकों के बारे में, कश्मीर के जो शासक हुए उनके बारे में लिखा गया है, इसमें रानी दीदा का जिक्र भी है। रानी दीदा कश्मीर की रानी हुई, तो क्वीन दीदा का जिक्र किस बुक में है? राज तरंगिनी में है हमारे ऑप्शंस में। और जो ऑप्शंस हैं हर्षवर्धन, अलबुरुनी, कौटिल्य, उनके बारे में भी आपको बताती हूँ। हर्षवर्धन जो है ये रूलर थे 606 से लेकर 647 एडी तक, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर हैं ये वर्धान डायनेस्टी के। और इन्होंने 3 इंपॉर्टेंट संस्कृत प्लेज लिखे हैं। इनके प्लेज हैं नागानंदा, रत्नावली और प्रिय दर्शिका, वेरी इंपॉर्टेंट। अलबरूनी जो है ये एक बहुत ही ग्रेट स्कॉलर है मिडीवियल इस्लामिक पीरियड के, और इन्होंने जो बुक लिखी है इंडिया के बारे में उसका नाम है तारीख अल हिंद या फिर हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तारीख हिंद भी इसको कहा जाता है। ठीक है, 1017 में ये भारत आए थे और इन्होंने लिखी तारीख हिंद। ओके, और इन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है हमें अबाउट इंडिया एट दैट टाइम। फिर हमारा 4th ऑप्शन कौन था? कौटिल्य। कौटिल्य को हम विष्णुगुप्त, चाणक्य के नाम से भी जानते हैं और इनको आप जरूर जानते होंगे। चंद्रगुप्त मौर्य को शासक इन्होंने ही बनाया था, और इनकी जो सबसे फेमस बुक है वो है अर्थशास्त्र इनकी सबसे फेमस बुक। ये सारी एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह नहर जो प्रशांत महासागर के साथ अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, तो हमें उस कनाल का नाम बताना है जो अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन के साथ जोड़ता है। स्विस कनाल, मलक्का कनाल, पनामा कनाल या फिर जिब्राल्टर, ये हमारे 4 ऑप्शंस हैं। स्विस, मलक्का, पनामा एंड जिब्राल्टर। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 27 आंसर है हमारा पनामा कनाल। अब आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये है हमारी नॉर्थ अमेरिका, ये है हमारी साउथ अमेरिका। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमारा नॉर्थ अटलांटिक ओशन है और यहाँ पर हमारा साउथ पैसिफिक ओशन है। पहले क्या था, अब क्या हुआ कि ये जो पतली सी यहाँ पर जो ये लैंड स्ट्रिप है, यहाँ पर ये पनामा कनाल बनाई गई। उससे क्या हुआ, उससे कि पनामा कनाल से होकर हम डायरेक्ट इस तरफ आ सकते थे। पहले क्या करना पड़ता था, पहले अगर आपको सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क जाना है वाया वाटर, तो आपको पूरा ये चक्कर लगाकर साउथ अमेरिका की टिप से इस तरह से पूरा होकर जाना पड़ता था। तो डिस्टेंस देखिए आप कितना ट्रेवल करते थे। तो फिर साइंस ने हमारी मदद की, टेक्नोलॉजी ने हमारी मदद की और हमने नहर बनाई यहां पर। ओके, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये डिस्टेंस बहुत छोटा हो गया। तो पनामा कनाल क्या है? पनामा कनाल एक मैन मेड केवल 72 किलोमीटर वाटरवे है इन पनामा, जो कि अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करता है। दिस कनाल कट्स अक्रॉस इस्थमस ऑफ पनामा। इस्थमस क्या होता है? नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड होती है जो दो बड़े पीसेस को जोड़ती है, और ये इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बहुत ही क्रूशियल है आपका पनामा कनाल, वरना आप सोचो कि कितना घूम कर जाना पड़ता। आंसर इसका है हमारा पनामा कनाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूअल सिटीजनशिप इज एन इंपॉर्टेंट फीचर इन विच फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। दोहरी नागरिकता, दोहरी नागरिकता किस सरकार की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? भारत में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है या ड्यूअल सिटीजनशिप? ड्यूअल सिटीजनशिप का मतलब होता है कि आपको दो नागरिकताएं लेनी पड़ेंगी, ठीक है। ऐसा कहाँ किया जाता है? ऐसा संसदीय सरकार जहां होती है वहां होता है, जहां संघीय सरकार होती है, फेडरल गवर्नमेंट होती है, यूनिटरी या फिर अथॉरिटेरियन। ओके, कहां पर हमें ड्यूअल सिटीजनशिप लेने की आवश्यकता पड़ती है? ड्यूअल सिटीजनशिप हमें लेनी पड़ती है फेडरल स्ट्रक्चर में, जैसे यूएसए है। यूएसए में आपको एक तो पहले कंट्री की सिटीजनशिप लीजिए आप, और कंट्री के बाद फिर आप जिस स्टेट में रह रहे हैं आपको वहां की भी सिटीजनशिप लेनी पड़ती है। भारत में ऐसा नहीं है, भारत में आपको केवल कंट्री की लेनी पड़ती है। ये देखिए, ड्यूअल सिटीजनशिप या फिर मल्टीपल नेशनैलिटी जो है, इज अ पर्सन जिस सिटीजनशिप स्टेटस जिसमें विच अ पर्सन इज रिगार्डेड एज अ सिटीजन ऑफ मोर देन वन स्टेट अंडर द लॉज ऑफ दो स्टेट्स। ड्यूअल सिटीजनशिप जो है ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट फीचर है, जैसा कि यूएसए में होता है। पहले तो जो सिटीजन है उसको यूनाइटेड स्टेट्स का सिटीजन होगा, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स में आपके 50 स्टेट्स हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर 50 स्टेट्स हैं जो यूनाइटेड यूनाइट होकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाते हैं। तो पहले आप यूएस के सिटीजन होंगे, उसके बाद आप जिस स्टेट में रहते हैं आप वहां के सिटीजन होंगे। फेडरल स्ट्रक्चर में, याद रखना, फेडरल स्ट्रक्चर में ऐसा होता है कि आपको ड्यूअल सिटीजनशिप लेनी पड़ती है। निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन सा 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था? तो जो रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था, 1857 की, 1857 की जो क्रांति थी, उनमें ऐसा कौन, इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट था जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया था? झांसी, कानपुर, लखनऊ या इनमें से कोई नहीं। झांसी ने पार्टिसिपेट किया था, जो हमारी रानी लक्ष्मीबाई हैं उन्होंने झांसी से पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत उनकी जो झांसी थी वो ब्रिटिशर्स हड़पना चाहते थे। फिर कानपुर से नाना साहेब ने पार्टिसिपेट किया था, और नाना साहेब जो अडॉप्टेड सन थे वो चाहते थे कि उनको एज अ पेशवा रिकग्नाइज किया जाए। लखनऊ से बेगम हजरत महल और उनके बेटे बिरजिस कादर ने पार्टिसिपेट किया था। तो इसका आंसर है डी, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 29, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेमस पोएट कालिदास लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ, प्रसिद्ध कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो कालिदास जी किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त प्रथम के दरबार में, समुद्रगुप्त के दरबार में, कुमारगुप्त के दरबार में, या चंद्रगुप्त द सेकेंड के दरबार में? क्वेश्चन नंबर 30, आपने जरूर कालिदास का नाम सुना होगा। क्वेश्चन नंबर 30, द फेमस पोएट कालिदास लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 30, कालिदास जो है वो विक्रमादित्य, एक राजा विक्रमादित्य जिसका पूरा नाम है चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य, इनके नवरत्नों में से एक थे। चंद्रगुप्त टू के कोर्ट में नवरत्न थे, 9 इंपॉर्टेंट पीपल जिनको ये नवरत्न कहते थे, उनमें से एक थे कालिदास। अब मैं आपको जानकारी देती हूँ चंद्रगुप्त सेकेंड के नवरत्नों के बारे में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, कालिदास, he was one of the 9 gems at the court of a king named विक्रमादित्य। और इस ये जो विक्रमादित्य हैं, ये चंद्रगुप्त द सेकेंड है। चंद्रगुप्त द सेकेंड, इन्होंने ये टाइटल लिया था विक्रमादित्य, इनके कोर्ट में नवरत्न थे। याद रखना, अकबर के कोर्ट में नवरत्न थे, और उनमें से अधिकतर को आप जानते होंगे बीरबल अकबर के नवरत्न थे, और चंद्रगुप्त टू के कोर्ट में नवरत्न थे। और एक और राजा था विजयनगर एम्पायर का, उसके कोर्ट में अष्ट दिग्गज थे, तेलानी रामा, अलसानी पेदाना, वो एक और राजा था, उसके कोर्ट में अष्ट दिग्गज थे। इस राजा के दरबार में 8 इंपॉर्टेंट थे लोग थे, और अकबर और चंद्रगुप्त सेकेंड के दरबार में 9 थे, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ कि ये 9 लोग जो थे, 9 जेम्स ऑफ विक्रमादित्य, ये कौन है? चंद्रगुप्त टू वॉज नोन फॉर हिज डीप इंटरेस्ट इन आर्ट एंड कल्चर, एंड 9 जेम्स और नवरत्न अडोर्न हिज कोर्ट। इनमें कौन कौन है? इनमें है अमर सिंह, इनमें है धनवंतरी, धनवंतरी का जरूर आपने नाम सुना होगा, हरिसेन, कालिदास, ये है कहापनक, फिर है शंकु, वरमहीर, वरुचि और वेताल भट्ट। आपने से बहुत लोगों ने विक्रम और वेताल की कहानियां देखी होंगी, सुनी होंगी, ठीक है। अपने पेरेंट्स से पूछना, 80s और 90s में ये टीवी पर, दूरदर्शन पर आया करती थी, तो वेताल भट्ट उसी का वेताल है।
अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो नौ नवरत्न हैं, ये किस चीज के लिए जाने गए। जैसे जो कालिदास हैं, वो संस्कृत के बहुत ही अच्छे ज्ञानी थे, बहुत सारे उन्होंने प्लेज नाटक वगैरह लिखे, इनके बारे में बताती हूँ। अमर सिंह जो हैं, ये संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे और इन्होंने जो फर्स्ट एनसाइक्लोपीडिया है वो लिखा, जिसका नाम है अमरकोश। ठीक है, अमरकोश, इसमें संस्कृत के रूट वर्ड्स, होमोनम, सिनोनम बहुत कुछ है। धनवंतरी बहुत बड़े जाने माने फिजिशियन हैं। हरिसेन, हरिसेन जो हैं, ये महाराज के राज दरबारी कवि भी थे। ठीक है, ये कोर्ट पोएट थे हरिसेन, और इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखी हुई है इलाहाबाद में। ठीक है, फिर है कालिदास। कालिदास जाने गए क्योंकि इन्होंने संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञानी थे, ये बहुत सारे प्लेज लिखे। जो आपके कहापनक हैं, ये एस्ट्रोलॉजर हैं। जो शंकु हैं, ये फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर में जाने गए। वर्महीर उज्जैन में रहते थे। इन्होंने 3 इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी, पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता और बृहद जताका। क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए पंच सिद्धांतिका किसने लिखी? वर्महीर ने। ये सब कुछ आप याद रखना। वरुचि ग्रामेरियन और संस्कृत स्कॉलर थे, और वेताल भट्ट जो हैं, ये थे आपके मजिशियन। ठीक है, ये मजिशियन है। ओके, ये था हमारा सारा, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन थी अबाउट दिस क्वेश्चन। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। Which one of the following is an example of non-banking financial institution? इनमें से ऐसा कौन सा है जो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था के लिए एक उदाहरण है? RBI, SBI, IOB या फिर LIC? ये हमारे चार ऑप्शन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले हमें क्या जानने की जरूरत है? हमें जानने की जरूरत है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती क्या है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो होती है जिसके पास पूरा बैंकिंग लाइसेंस नहीं है, जिसके पास लाइसेंस ही नहीं है। अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन NBFI, ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसके पास फुल बैंकिंग लाइसेंस नहीं है और उसको और इज नॉट सुपरवाइज्ड बाय नेशनल और इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेटरी एजेंसी। जैसे RBI जो है वो बाकी सारे बैंक्स को इंडिया में सुपरवाइज करता है, उनकी वर्किंग को देखता है। तो जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इस तरह से किसी दूसरी एजेंसी द्वारा सुपरवाइज नहीं होंगे, जो कि बैंकिंग रेगुलेटरी एजेंसी है। जो इंडिया में LIC है, LIC जो है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इसका आंसर है डी, क्योंकि LIC जो है, यहाँ पर देखिए, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये इंडियन स्टेट ओन्ड इंश्योरेंस ग्रुप है एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी। इसके जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। ये भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। शुरुआत की गई थी इसकी 1956 में। उस वक्त पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया था, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया एक्ट, उसके बाद ये एस्टैब्लिश की गई थी। तो LIC जो है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इसकी शुरुआत की गई थी 1956 में। द लार्वा ऑफ अ कॉकरोच इज कॉल्ड तिलचट्टा। तिलचट्टा या फिर कॉकरोच, कॉकरोच के लार्वा को क्या कहा जाता है? कॉकरोच के लार्वा को हम कैटरपिलर कहते हैं, निम्फ कहते हैं, कीड़ा कहते हैं या फिर ग्रब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, कॉकरोचेस जो है ये भी अंडे देते हैं, सरप्राइजिंगली। ओके, और इनके जो एग्स होते हैं वो इनकी जो लाइफ साइकिल है, रादर मैं ऐसे कहूंगी कि इनकी जो लाइफ साइकिल है वो अलग अलग स्टेजेस से गुजरती है। जैसे सबसे पहले तो आपका एग होता है, उसके बाद आपका निम्फ होता है, NYMPH, और फाइनली फिर आपका अडल्ट स्टेज आती है। तो जो लार्वा ऑफ अ कॉकरोच इज कॉल्ड, क्वेश्चन नंबर 32, लार्वा ऑफ अ कॉकरोच इज कॉल्ड निम्फ। आंसर है हमारा बी। ये देखिए, कॉकरोचेस डेवलप थ्रू अ प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, और इसमें 3 चेंजेस आएंगे, पहले अंडे देंगे, फिर निम्फ होगा, फिर अडल्ट कॉकरोच होगा। कॉकरोचेस डेवलप थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस, ये आपके 3 स्टेजेस होते हैं बायोलॉजी में। निम्फ एक इमेच्योर फॉर्म ऑफ इनवर्टिब्रेट्स होता है, खासकर कीड़ों में, और उसके बाद ये चेंज होगा, और जो मैगोट होता है ये सॉफ्ट बॉडीड लेगलेस लार्वा होता है फ्लाई या दूसरे इंसेक्ट्स का। क्वेश्चन नंबर 33, हिस्ट्री का क्वेश्चन। टोडरमल किससे जुड़े हुए थे? टोडरमल म्यूजिक से जुड़े हुए हैं, लिटरेचर से जुड़े हुए हैं, लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म से जुड़े हुए हैं, या इनमें से किसी से भी जुड़े हुए नहीं है।
सबसे पहले टोडरमल कौन थे? टोडरमल जो थे ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे, अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर थे और बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। और इन्होंने शेरशाह सूरी के साथ भी काम किया था, तो बहुत ही जाने माने व्यक्ति हैं ये हिस्ट्री में। आप कभी भी कोई किताब खोलेंगे अकबर के बारे में तो जरूर इनका वहां जिक्र आएगा। अकबर के नवरत्नों में थे, पर क्या ये म्यूजिक से एसोसिएटेड है, लिटरेचर से है, लैंड रेवेन्यू या नन ऑफ द अबव? आंसर है इसका सी, ये लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स से एसोसिएटेड है। क्वेश्चन नंबर 33 आंसर है मेरा सी। ये देखिए टोडरमल, ही वॉज वन ऑफ द नवरत्न ऑफ अकबर, अकबर के नवरत्नों में है। इनका लैंड रेवेन्यू कॉन्स्टिट्यूटेड द प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। अकबर ने बहुत सारे फ्रेश रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए और ये जो रिफॉर्म्स हैं, जो आपके लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स थे, ये टोडरमल के रिकमेंडेशन पर इंट्रोड्यूस किए गए थे। इसलिए इन्होंने जो चीजें इंट्रोड्यूस की वो कहलाई टोडरमल का बंदोबस्त, ठीक है, टोडरमल का बंदोबस्त कहलाई। और इन्होंने जो चेंजेस लाए उनमें मेन ये थे कि इन्होंने लैंड को सर्वे करवाया, मेजर करवाया, नपवाया और उसके बाद लैंड को उसकी प्रोडक्टिविटी के हिसाब से, वो कितना उत्पादन कर सकता है उसके हिसाब से उनको क्लासिफाई करवाया, ये बंजर भूमि है, ये पर्वती है, इस तरह से। और उसके बाद फिर फाइनली इन्होंने लैंड रेवेन्यू के बारे में बताया कि यहाँ से इतना रेवेन्यू आ सकता है। अलग अलग इन्होंने दिए बटाई, गाला बख्शी, दाशाला बंदोबस्त, ये सारा कुछ टोडरमल का दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ क्रीम इज रिमूव्ड फ्रॉम मिल्क इट्स डेंसिटी इज, अगर हम दूध से क्रीम को हटा दें तो दूध की जो डेंसिटी है उसकी डेंसिटी पर क्या असर पड़ेगा? दूध की डेंसिटी जो है वो बढ़ेगा, यहाँ पे दिया हुआ है, दूध की डेंसिटी जो है वो घटेगा या फिर समान ही रहेगा या फिर शायद घटेगा या बढ़ेगा। तो दूध का जो घनत्व है, दूध का जो घनत्व है वो बढ़ेगा, घटेगा, समान ही रहेगा या शायद बढ़ेगा या घटेगा? साइंस का क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि एक ग्लास पानी है उसमें आप बर्फ डाल दीजिए तो पानी बढ़ेगा घटेगा क्या होगा, क्रीम हटा दीजिए आप दूध से तो उसकी जो डेंसिटी है वो बढ़ेगी घटेगी क्या होगी, इस तरह से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34, अब हम देखते हैं इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हमारा ए है और आंसर ए कैसे है अब ये देखते हैं। जो डेंसिटी ऑफ प्योर फ्रेश मिल्क है वो ऑन द एवरेज 1.032 होती है और जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं उनकी डेंसिटी जो क्रीम में होगा होंगे फैट ग्लोब्यूल्स उनकी है 0.86, ठीक है। तो जब हम क्रीम को हटा देंगे और तो क्या होगा कि उसकी जो डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी क्योंकि आपने कम डेंसिटी वाली चीज को बाहर कर दिया है, राइट। अगर आप इसी में पानी को ऐड कर दें तो डेंसिटी जो है वो घट जाएगी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा नेशनल पार्क किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? काजीरंगा नेशनल पार्क बिहार में है, असम में है, पश्चिम बंगाल में है, त्रिपुरा में है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो असम में है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप कभी असम घूमने जाएं तो यहाँ जरूर जाना, यहाँ आपको वन हॉर्न्ड राइनोसेरस मिलेगा। काजीरंगा नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क है असम में और यहाँ पर 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेट वन हॉर्न्ड राइनोसेरस आपको मिलेंगे। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर भी है काजीरंगा नेशनल पार्क। यहाँ पर जो वर्ल्ड के वन हॉर्न्ड राइनो होते हैं उनकी गेंडा होता है उसके नाक के ऊपर इस तरह से सींग होता है और इसका बहुत शिकार किया गया था इस सींग के लिए, क्योंकि कहा जाता था कि सींग में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे वो दवाइयां बनती हैं जिससे कि इंसान बूढ़ा नहीं होता। काजीरंगा इट्स अ होम टू द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर्स अमंग प्रोटेक्टेड एरियाज इन द वर्ल्ड। इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था 2006 में। काजीरंगा हैज अचीव्ड नोटेबल सक्सेस इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और ये एस्टैब्लिश हुआ था ये पार्क 1905 में और 2005 में इसको 100 ईयर्स कंप्लीट हुए। तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है लोकेटेड और ये वन हॉर्न्ड राइनोसेरस के लिए बहुत ही फेमस है।
अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल कैन बी सेपरेटेड बाई, अगर आपके पास पानी है और पानी में शराब मिली हुई है तो उसको सेपरेट करना है, बताइए कैसे सेपरेट करेंगे आप। पानी और शराब का एक मिश्रण किसके द्वारा अलग किया जा सकता है, आप फिल्टर करेंगे, आप इवेपोरेट करेंगे, आप डिकेंटेशन करेंगे या फिर आप डिस्टिलेशन करेंगे। ठीक है, ऐसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि पेट्रोल और वाटर मिक्स्ड है, या फिर और भी तरह की चीजें आती हैं कि ये मिक्स्ड है तो आप इनको सेपरेट कैसे करेंगे, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, डिकेंटेशन या फिर डिस्टिलेशन। क्वेश्चन नंबर 36 इसका आंसर है डिस्टिलेशन, देखते हैं कैसे। ये देखिए ये डिस्टिलेशन का पूरा सेटअप है। डिस्टिलेशन क्या होती है, डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें दो चीजों के बॉइलिंग पॉइंट्स अलग अलग होते हैं, तो हम बॉइल करते हैं, जब एक का बॉइलिंग पॉइंट होता है तो वो इवेपोरेट हो जाती है और इस तरह से फिर हम उसको यहाँ पे कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट वेपर होगी, वेपर के बाद हम इस तरह से कलेक्ट करेंगे, उसको ठंडा करेंगे, यहाँ पर हम कलेक्ट करेंगे और फिर उसको कूल डाउन करेंगे। डिस्टिलेशन अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल, इसको सेपरेट करने के लिए हमें डिस्टिलेशन प्रोसेस करनी है। 780 डिग्री सेल्सियस पर अल्कोहल स्टार्ट्स टू वेपराइज, अल्कोहल जो है वो वेपर में टर्न होगी, फिर उन वेपर्स को हम कंडेंस करते हैं इन द कंडेंसर एंड अल्कोहल इज कलेक्टेड इन द रिसीवर, ये है डिस्टिलेशन प्रोसेस। मैं आपको डिकेंटेशन भी समझाती हूँ, डिकेंटेशन क्या है, डिकेंटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ऑफ मिक्सचर्स बाय रिमूविंग अ लेयर ऑफ लिक्विड, जनरली वन फ्रॉम विच अ प्रेसिपिटेट हैज सेटल्ड। होता क्या है कि दो लिक्विड्स हैं, एक ऊपर लेयर बना देगा और एक नीचे सेटल हो जाएगा, तो उसके बाद हम उनको सेपरेट करेंगे। द प्रोसेस मे बी आइदर टू प्रोड्यूस अ क्लीन डिकेंट और टू रिमूव अनडिजायर्ड लिक्विड फ्रॉम द प्रेसिपिटेट। और फिल्ट्रेशन में तो सिंपल छानना होता है, ये देखिए जैसे मान लीजिए ये सैंड है वाटर में, हम क्या करेंगे उसके बाद एक फिल्टर पेपर इस तरह से लगा के उसको छानेंगे, पानी जो है वो नीचे पास आउट हो जाएगा थ्रू द फिल्टर पेपर और जो सैंड है वो रेसिड्यू के रूप में पीछे रह जाएगी। ओके, और ये जो सेटअप है ये डिकेंटेशन के लिए सेटअप है। इनकर्ड आउट ऑफ द कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया आर, भारत की आकस्मिकता निधि से जो धन खर्च किया गया है क्या होगा उस धन का, इट विल सब्सिक्वेंटली बी रिकूप्ड बाय ट्रांसफरिंग सेविंग्स फ्रॉम अदर हेड्स ऑफ द बजट, उसके बाद रिकूप थ्रू सप्लीमेंट्री एडिशन और एक्सेस ग्रांट बाय पार्लियामेंट, संसद द्वारा अनुपूरक अतिरिक्त या अतिरिक्त अनुदान के माध्यम से उसको फिर से पैसे को प्राप्त किया जाएगा। Not recouped till the whole fund is exhausted, उसको दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक कि पूरी निधि ही समाप्त ना हो जाए, सारा ही पैसा खर्च ना हो जाए, या फिर विभिन्न राज्यों से योगदान लेकर पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो जो हम खर्चा कर देते हैं expenses incurred out of the contingency fund of India are, वो उनका फिर क्या होगा, question number 37, वो जो खर्च कर दिया गया है उसको कैसे हम receive करेंगे, इसका आंसर है B, इसका आंसर है B, it will be recouped through supplementary addition or excess grants by parliament, आंसर है B। ये देखिए जो कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया है इसको एस्टैब्लिश किया गया था अंडर आर्टिकल 267 सब क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये मनी मेंटेन्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस है और इसको सैंक्शन करता है प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट की डिस्पोजल पर होता है और प्रेसिडेंट इसको कब सैंक्शन करेगा, टू मीट अनफॉरसीन एक्सपेंडिचर, अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाती है जो हमने बिल्कुल सोची नहीं थी कि आ जाएगी, जैसे कि कहीं बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, सूखा पड़ गया, तो वहां पर प्रेसिडेंट जो है इसको सैंक्शन कर सकता है पेंडिंग ऑथराइजेशन ऑफ द पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट इमीडिएटली सैंक्शन कर दे पेंडिंग ऑथराइजेशन ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, अप्रूवल ऑफ द लेजिस्लेचर फॉर सच एक्सपेंडिचर फॉर विड्रॉल ऑफ एन इक्विवेलेंट अमाउंट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड इज सब्सिक्वेंटली ऑब्टेन्ड, और लेजिस्लेचर बाद में इस चीज पर मोहर लगा देता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन और ये सारी आंसर। वे पौधे जो अपने जीवन काल में केवल एक बार ही फूल उत्पन्न करते हैं वो क्या कहलाते हैं। देखिए तरह तरह के पौधे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हर साल हमें फूल देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो केवल जीवन में ही एक बार फूल देते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं। तो प्लांट्स विच फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम आर नोन एज, ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं, ऐसे पौधों को हम पॉलीकार्पिक, मोनोकार्पिक, मोनोगैमस या मोनोजेनरिक क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, ऐसे पौधों को हम कहते हैं मोनोकार्पिक, क्वेश्चन नंबर 38 आंसर है हमारा मोनोकार्पिक। अब मैं आपको समझाती हूं कि इसका मतलब क्या होता है।
मोनोजेनेरिक, यहाँ पर हमारे जो अलग अलग टर्म्स दिए थे उनका मतलब भी आपको समझाती हूँ। मोनोजेनेरिक ये वो प्लांट्स हैं, वो प्लांट फैमिलीज हैं जिनमें केवल एक सिंगल जीनस होगा। जो पोलोकार्पिक प्लांट्स होते हैं, पोलोकार्पिक प्लांट्स जो हैं वो हर फ्लावर एवरी ईयर इन अ पर्टिकुलर सीजन। पोलोकार्पिक जो है, जैसे फॉर एग्जांपल रोज प्लांट है, रोज प्लांट का जो फूल है वो हर साल खिलेगा आपका, एक के बाद एक अगले साल खिलता जाएगा एक पर्टिकुलर मौसम में। ये पेरिनियल प्लांट्स हैं और पोलोकार्पिक डू नॉट डाई आफ्टर फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। हमारा सेब का पेड़, आम का पेड़, अमरूद का पेड़, आड़ू का पेड़, ये सब जो है ऑरेंज ग्रेप्स वगैरह, ये एक पर्टिकुलर सीजन में हर साल आपका फ्लावर देंगे, फ्रूट देंगे, पॉलीकार्पिक कहते हैं इनको। लेकिन जो मोनोकार्पिक है, मोनोकार्पिक जैसे मान लीजिए गेहूं की फसल है, इस साल मैंने बोई, एक ही बार वो फलेगी फूलेगी और उसके बाद प्लांट खत्म हो जाएगा। रेडिश है, कैरेट है, बैम्बू है, इन सब को आपको दोबारा लगाना पड़ेगा। तो जो मोनोकार्पिक है they flower only once in their life or these plants are generally annual. Very few monocarpic fruits are perennial. Monocarpic plants die after flowering and fruiting. Example hai rice, wheat, radish, carrot, bamboo, etc. ठीक है, ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 39, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्का रेडियोधर्मी तत्व क्या है? सबसे हल्का रेडियोधर्मी तत्व क्या है? लाइटेस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट, लाइटेस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या है? वो है ड्यूटेरियम, प्लोनियम, ट्राइटियम या फिर यूरेनियम। ये हमारे चार ऑप्शंस हैं क्वेश्चन नंबर 39। इसका आंसर है ट्राइटियम। ट्राइटियम लाइटेस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ट्राइटियम रेडियो एक्टिव आइसोटोप है हाइड्रोजन का, लाइटेस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ट्राइटियम इज अ रेडियो एक्टिव फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, इसको रिसर्च फ्यूजन रिएक्टर्स में यूज करते हैं और इसको जो रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज हैं वेरी वेरी यूजफुल। ओके, दिस इज द आंसर। 26th अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज, हम 26th अप्रैल को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड मलेरिया डे, वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे या वर्ल्ड वाटर डे? 26th अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज, क्वेश्चन नंबर 40। 26th अप्रैल को हम मनाते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, ये मनाया जाता है इस दिन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। और 2000 में, इन द ईयर 2000, इसको हमने पहली बार मनाया था। और ये इसलिए मनाते हैं ताकि हम अवेयरनेस क्रिएट कर सके पेटेंट्स के बारे में, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, इन सब चीजों के बारे में। मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि वर्ल्ड मलेरिया डे, वर्ल्ड हेल्थ डे और वर्ल्ड वाटर डे कब मनाते हैं। वर्ल्ड आईपी डे, वर्ल्ड आईपी डे वॉज लॉन्च इन द ईयर 2000। ये इसको किसने लॉन्च किया था? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया था। किस लिए लॉन्च किया था? ताकि क्रिएटिव आइडियाज इंक्लूडिंग म्यूजिक, ट्रेडमार्क, राइटिंग, इन्वेंशन को प्रोटेक्ट किया जा सके। और इसको ऑल ओवर द ग्लोब हम कब मनाते हैं? 26th अप्रैल को। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 26th अप्रैल। वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे हम मना रहे हैं 1992 से। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट ने इसको रिकमेंड किया था कि आप वर्ल्ड वाटर डे मनाइए, और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने रिस्पॉन्ड किया और 22 मार्च 1993, याद रखना 22 मार्च 1993 को हमने फर्स्ट वर्ल्ड वाटर डे मनाया। ओके, और उसके बाद से हम इसको हर साल मना रहे हैं। वर्ल्ड मलेरिया डे आता है 25th अप्रैल को और वर्ल्ड हेल्थ डे आता है 7th अप्रैल को। ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ डे 7th अप्रैल को, ये ग्लोबल हेल्थ अवेयरनेस डे सेलिब्रेट होता है अंडर द स्पॉन्सरशिप ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 1948 में हु हेल्ड इट्स फर्स्ट वर्ल्ड हेल्थ असेंबली? 7 अप्रैल 1948 को जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उनकी फर्स्ट असेंबली हुई थी, इसीलिए हम 7th अप्रैल को हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। ठीक है, और 1950 को हमने अपना पहला वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया था 7th अप्रैल को। So this was all about the different days that are celebrated. Next question, what is the percentage coverage of tropical forest on Earth's landmass? भूमि की, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग में उष्णकटिबंधीय वन फैला हुआ है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्या है? जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पाए जाएंगे उसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट।
ये कितनी लैंड पर फैला हुआ है, 7% पर, 12% पर, 17% पर या 25% पर? क्वेश्चन नंबर 41, मेरा आंसर है ए, 7% पर, 7% पर। ये देखिए ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है ये लेस देन 7% ऑफ द अर्थ सर्फेस कवर करते हैं। यहाँ पर 50% ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ, यहाँ पर आपको बहुत सारी स्पीशीज मिलेंगी। ये आपके इक्वेटर के आसपास वाले एरिया में साउथ अमेरिका, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पर ये मिलेंगे। अच्छी खासी बारिश होती है यहाँ पर, 60 to 160 इंचेस ऑफ प्रेसिपिटेशन, और ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द ईयर, तो अच्छी खासी इन फॉरेस्ट की ग्रोथ है। लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ बिलोंग्स टू विच किंग? जो सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष है, ये लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ, द फोर हेडेड लायन जो वहां पर है, ये किस राजा से संबंधित है? ये हमारे नेशनल एम्बलम में भी है। ये चंद्रगुप्त से संबंधित है, ये अशोक से संबंधित है, ये कनिष्क से संबंधित है, या इनमें से किसी से संबंधित नहीं है? अब मैं आपको लायन कैपिटल दिखाती हूँ। ये देखिए, ये लायन कैपिटल है, इस तरह से ये फोर लायंस हैं, चौथा जो आपको नजर नहीं आ रहा है वो दूसरी तरफ है, ये खड़े हैं बैक टू बैक। तो बताइए ये किस राजा से संबंधित है? तो ये संबंधित है राजा अशोक से, क्योंकि उनका एक पिलर है, उसके ऊपर ये लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 42, आंसर इज गोइंग टू बी बी, अशोक फ्रॉम द मौर्यन डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, By which constitutional amendment bill did the parliament lower the voting age from 21 to 18 years? ये हमारा बहुत ही important polity का question है, और इसमें क्या पूछा गया है कि वो कौन सा act था सरकार का, वो कौन सा act था, constitutional amendment act कौन सा था वो, जिससे कि हमने वोट डालने की जो उम्र है वो 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी। क्वेश्चन नंबर 43, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 61st अमेंडमेंट एक्ट। जो 61st अमेंडमेंट एक्ट था, राजीव गांधी जो थे वो युवाओं में बहुत बिलीव करते थे, यूथ में बहुत बिलीव करते थे, और उन्होंने ये रेकमेंड किया कि ये जो एज है आप इसको घटाकर 21 इयर्स से 18 इयर्स कर दीजिए, ओके, ताकि यूथ जो है वो पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री में भाग ले सके। 61st अमेंडमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989, कौन से साल में हुआ था आप ये भी याद रखना, 1989 में हुआ था ये। वोटिंग एज को हमने 21 से 18 साल कर दिया था ताकि जो यूथ है वो पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री में भाग ले सके। लेट राजीव गांधी ने ये किया था क्योंकि उनको काफी ज्यादा फेथ था यूथ में, ओके? हमारे शरीर में इंसुलिन का काम क्या है? हमारे शरीर में इंसुलिन होती है, द मेन फंक्शन ऑफ इंसुलिन इन द ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर में इंसुलिन का मुख्य काम क्या है? इनका काम है रक्तचाप को बनाए रखना, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, भोजन के पाचन में मदद करना, खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करना, शरीर की शक्कर के स्तर को नियंत्रित करना, जो हमारा शुगर लेवल है बॉडी में उसको कंट्रोल करना, या फिर शरीर में आयोडीन के स्तर की जांच करना, ठीक है, कि आयोडीन कितना है उसकी जांच करना। क्वेश्चन नंबर 44, इसका आंसर है शरीर में शक्कर के स्तर को नियंत्रित करना, इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है और इसको प्रोड्यूस करते हैं हमारे पैनक्रियाज, और इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन तो इसका यही है, कंट्रोलिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और हाइपर ग्लाइकीमिया को कंट्रोल करना। इसके अलावा ये सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, रेगुलेशन ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी, इन सब में भी इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है, ओके? सो दैट वॉज द आंसर। Blood fails to clot while flowing in the blood vessel because of the presence of, question number 45, blood fails to clot while flowing in the blood vessels because of the presence of, रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होने के दौरान खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? हेपरिन, प्रोथिम्बियन, हेमोग्लोबिन या हिरुदियन? Blood fails to clot while flowing in the blood vessel because of the presence of, इसका आंसर है हेपरिन। हेपरिन ये एक एंटी कोएगुलेंट है, ब्लड थिनर है, इट प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट, ये ब्लड क्लॉट्स नहीं बनने दिया देता, एंड हेपरिन इज यूज्ड टू ट्रीट एंड प्रिवेंट ब्लड क्लॉट्स इन द वेन्स। अमीबा
किसकी मदद से भोजन ग्रहण करता है? एक अमीबा किसकी मदद से भोजन ग्रहण करता है? अमीबा किसकी मदद से फूड को इंजेस्ट करेगा? सीलिया, टेंटिकल्स, सीडोपोडिया या फिर है हमारा बकल कैविटी? अमीबा सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है, इसको मान लीजिए यहाँ पर खाना दिख रहा है तो क्या करेगा, इस साइड को इस तरह से एक्सटेंड कर देगा, धीरे धीरे इस खाने को एनगल्फ कर लेगा, और ये जो साइड एक्सटेंशन होती है इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं सीडोपोडिया। क्वेश्चन नंबर 46 आंसर है सी। सीडोपोडिया इज अ टेम्पररी प्रोट्रूजन ऑफ द सरफेस ऑफ द अमीबा सेल फॉर मूवमेंट एंड फीडिंग। ये मूवमेंट के लिए और फीडिंग दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। भारत के निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय ने याहू co.in वेबसाइट को गलत तरीके से अपनी वेबसाइट पर विश्वविद्यालय के दो छात्रों की तस्वीर पोस्ट करने के लिए 2,00,000 रुपए जमा करने का निर्देश दिया था? Which of the following High Courts in India has directed the Yahoo website to deposit 2,00,000 rupees with the court for wrongly posting the picture of two students of university on its website? दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना या पंजाब? इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जानवर में खुली संचार प्रणाली पाई जाती है? ठीक है, खुली रक्त संचार प्रणाली, ठीक है, ब्लड के लिए है ये। निम्नलिखित में से किस जानवर में खुली रक्त संचार प्रणाली पाई जाती है? अब हमारे ऑप्शंस हैं झींगा, अर्थवर्म, टोड या फिर मानव, ये हमारे चार ऑप्शंस हैं। दो तरह का ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है, एक ओपन होता है और एक क्लोज्ड होता है। यहाँ पे पूछा गया है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें मिलेगा? जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, द सर्कुलेटरी सिस्टम इज द मेन मेथड फॉर ब्लड ट्रांसपोर्टेशन इन द बॉडी। हमारी बॉडी में ये जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है ये क्या करता है, ये ब्लड को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाता है। कैसे करता है वो, ये सब हमारी बॉडी में वेसल्स हैं जिनके माध्यम से ये करता है। ब्लड के अंदर आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचते हैं, साथ ही गैसेस वगैरह एक्सचेंज होती हैं, टॉक्सिक वेस्ट हमारी बॉडी से रिमूव होता है। अब ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशन की जो प्रोसेस है दो तरीके की होती है, एक होती है ओपन और एक होती है क्लोज्ड। अगर आपका जो रक्त है वो वेन्स के अंदर से बहकर जा रहा है तब तो है क्लोज्ड, और जो ओपन है उसमें वेन्स नहीं होती। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आर द मोर बेसिक टाइप, इनको हम ओपन इसलिए कहते हैं बिकॉज ब्लड इज नॉट कंटेन्ड विद इन एनक्लोज्ड सर्किट ऑफ वेसल्स, उसमें वेन्स और वेसल्स नहीं होती। Instead, blood flows from the heart through open-ended vessels. When it reaches the end of the vessels, blood जो है वो directly tissues के ऊपर flow करेगा। इसलिए अक्सर आप देखेंगे कि tissues जो हैं वो बिल्कुल लाल आपको खून में मिलेंगी। ब्लड उसके बाद फिर इट फ्लो बैक फ्रीली टू द वेसल्स। लेकिन जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ज्यादा स्ट्रक्चर्ड होता है, कंट्रोल्ड होता है, और उसमें जो खून है वो एक पूरे वेसल्स के अंदर ही बहेगा, और ये जो वेसल्स हैं दे मेक अप द प्लम्बिंग सर्किट ऑफ द बॉडी। जो ह्यूमंस हैं, बर्ड्स हैं, कैट्स हैं, फ्रॉग्स हैं, अर्थवर्म्स हैं, दे ऑल हैव अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। आपका और मेरा क्या है, क्लोज्ड है। बर्ड्स का, कैट्स, फ्रॉग्स, अर्थवर्म्स, इन सब का क्लोज्ड है। तो हमारे पास अर्थवर्म था, अर्थवर्म का क्या था, अर्थवर्म का क्लोज था। क्वेश्चन नंबर 48, मैन का क्लोज्ड है, टोड का भी क्लोज्ड है, प्रॉन जो है, क्वेश्चन नंबर 48, प्रॉन का ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। यूनेस्को कलिंगा प्राइज इज रिलेटेड टू विच फील्ड? यूनेस्को कलिंगा पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ये स्पोर्ट्स से, साइंस से, जर्नलिज्म से या फिर पीस से? क्वेश्चन नंबर 49। यूनेस्को कलिंगा प्राइज जो है ये संबंधित है साइंस की फील्ड से। क्वेश्चन नंबर 49। द कलिंगा प्राइज ये दिया जाता है फॉर पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस। ये एक अवार्ड है जिसको यूनेस्को देता है और उस व्यक्ति को या उस ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है ये प्राइज, ये अवार्ड, जो कि साइंटिफिक आइडियाज को बहुत ही साधारण लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा सके
और ये जो क्रिएट किया गया था कलिंगा प्राइज इन द ईयर 1952, बीजू पटनायक फाउंडर थे, ये प्रेसिडेंट ऑफ कलिंगा फाउंडेशन के, उन्होंने ये कंट्रीब्यूशन दिया था ताकि ये जो अवार्ड है ये क्रिएट किया जा सके, कलिंगा प्राइज फॉर पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस। लास्ट क्वेश्चन मैं आपके साथ कर रही हूँ, पेपर कोड 861 का लास्ट क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन। RDBMS का फुल फॉर्म क्या है? रिपेयरेबल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डाटाबेस मेमोरी सिस्टम या रिकरिंग डाटाबेस मेमोरी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 50, इसका आंसर है बी, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दैट्स द आंसर, आंसर इज बी। रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS, ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, दैट इज बेस्ड ऑन द रिलेशनल मॉडल एज इंट्रोड्यूस बाय EF कॉड। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। 861 पेपर कोड है हमारा ये, और इसमें मैंने आपको जनरल अवेयरनेस सेक्शन के बारे में डिटेल जानकारी दी। The same video has been made in English medium also. For those students who wish to watch it exclusively in English, there is another video. I wish you all the very, very best. ये जो सभी वीडियोस हम बना रहे हैं, ये हमारी दंगल 90 टेस्ट सीरीज का एक हिस्सा है, और केवल कुछ ही वीडियो ऐसे होंगे जो YouTube पर पब्लिकली अवेलेबल होंगे आपके देखने के लिए। अदरवाइज अगर आप सारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारी दंगल 90 टेस्ट सीरीज, पिनाकल की दंगल 90 टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें विद वीडियो एक्सप्लेनेशंस। और अगर आप सिर्फ टेस्ट ही देना चाहते हैं, वीडियोस नहीं देखना चाहते हैं, तो आप विदाउट वीडियो एक्सप्लेनेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट करें, विच इज SSCCGLPinnacle.com। ये हमारी वेबसाइट है, कैसे ज्वाइन करना है ये सारे डिटेल आपको वहां पर मिलेंगे। सो ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।